तो दिल्ली में 24 घंटे में 228 mm बारिश हुई। जून में इतनी बारिश इससे पहले 1936 में हुई थी, यानी कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन बारिश ने जो हाल किया उसकी तस्वीरें दुनिया भर में सुर्खियों में रही। यही वजह है कि पहली बारिश में दिल्ली के बेहाल होने के बाद सरकार अलर्ट पर है। मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है, अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, छुट्टी पर गए अफसरों को तुरंत काम पर वापस लौटने को कहा गया है। लेकिन सवाल बरकरार है, सवाल वही कि देश की राजधानी की सड़कों को समंदर बनाने का जिम्मेदार, हिस्सेदार और गुनाहगार कौन है? संपूर्ण विश्लेषण करते ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। जरा गौर से तो देखिए और जान लीजिए कि ये टाइटैनिक पार्ट 2 फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि ये तो देश की राजधानी की बारिश में डूबी बस से सवारियों के रेस्क्यू ऑपरेशन का सीन है। सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि दिल्ली के हर कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आईं। और तो और, देश के जिन माननीयों से मिलना आम आदमी के लिए नामुमकिन सा है, उन्हीं नेताजी के घर बारिश का पानी बिना अपॉइंटमेंट के जा पहुंचा। दिल्ली में एक ही बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए कि जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जैम की स्थिति सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है, उनके घर के बाहर भी कुछ ऐसी स्थिति है कि घर से निकलना भी समझो जैसे बहुत मुश्किल, क्योंकि पानी इतना ज्यादा जमा है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर की। ये दिल्ली की मंत्री आतिशी का घर मथुरा रोड पर है और उनके घर के बाहर पानी इतना ज्यादा जमा है जो तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। दो समर्थक जिन्हें गोद में उठाकर ला रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव हैं। असल में हुआ यूं कि बारिश का पानी यादव जी के घर में घुस गया। रामगोपाल यादव को संसद जाना था, लिहाजा समर्थकों ने उन्हें गोद में उठाया और फिर इत्मीनान से गाड़ी में बिठा दिया। दिल्ली में जरा सी बारिश हुई नहीं, हर कोई परेशान हो गया। घंटों का जाम, जगह जगह जलभराव, क्या आम क्या खास, हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है। और फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव के सरकारी आवास पर। और देखिए यहाँ की क्या तस्वीरें हैं। सुबह से जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव को संसद जाना था तो यहाँ पर और ज़्यादा पानी भरा हुआ था। हालांकि अभी भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये कम हुआ है तब ये हालत है। और यहाँ पर जो एक जो पंपिंग सेट लाया गया था वो भी बंद हो गया है। वैसे ऐसी तस्वीरें पहली बार नहीं आई हैं। दिल्ली में हर साल ऐसा ही होता है, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आसमान से जितनी बारिश होती है सियासत उतनी ही परवान चढ़ती है। लेकिन सवाल बरकरार है कि दिल्ली क्यों बार बार समंदर बन जाती है? बारिश से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं है? दिल्ली को दरिया बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली को डुबोने के लिए इस बार कुदरत तो जिम्मेदार नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं है। तो फिर 2 घंटे की बारिश में ही दिल्ली दरिया क्यों बनी, मंत्री जी बताएंगी, सुनिए। कि तकरीबन दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीज़न में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और खासकर के आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे MCD के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऊपर वाले से पूछ लिया है कि इतना पानी बरसाया ही क्यों कि दिल्ली दरिया बन जाए, लेकिन विपक्ष सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। मैं इस समय मिंटो पुल के नीचे, मिंटो रोड पुल के नीचे हूँ। ये MCD के अंडर में है, PWD का ये डिपार्टमेंट है और हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी भी हैं। 4-4.5 घंटा बीतने के बाद भी पानी के, यहाँ देखिए कार आज भी डूबी है, पानी अभी भी लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक उसके अधीन 4 फीट से ऊपर के 713 नाले हैं, जबकि 4 फीट से नीचे के भी 21 नाले हैं। इन नालों की सफाई 2 चरणों में होती है। पहला चरण मानसून से पहले पूरा किया जाता है और दूसरे चरण की सफाई मानसून खत्म होने के बाद होती है। कुछ दिन पहले एमसीडी ने दावा किया था कि पहले 4 फीट से ऊपर के नालों की सफाई का काम करीब 93% पूरा हो चुका है, जबकि 4 फीट से कम के नालों की सफाई भी 85% तक हो चुकी है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि जब नाले साफ हो चुके थे तो दिल्ली क्यों डूबी, वो भी तब जब दिल्ली जैसे शहर में भी बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए सालाना बजट होता है। 2020-21 में दिल्ली को 217 करोड़ रुपए का बजट मिला था। 2021-22 में 281 करोड़ रुपए दिए गए। 2022-23 में 233 करोड़ रुपए आवंटित हुए। 2023-24 में 253 करोड़ और 2024-25 के लिए 186 करोड़ रुपए का बजट है। इस हिसाब से देखें तो 5 साल के दौरान दिल्ली में फ्लड कंट्रोल और जल निकासी के लिए 1160 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके 5 साल में दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। केंद्र की सरकार योजना बना करके राज्य सरकार को पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार, राज्य सरकार, केजरीवाल की सरकार, ये भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। भ्रष्टाचार के कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध हो रहा है। सारी जवाबदारी, ये पूरे जवाबदारी के साथ ये राज्य की सरकार काम कर नहीं रही है, इस कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो केजरीवाल की गवर्नमेंट है, जिसको वाटर लॉगिंग जैसी व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो उसमें नाकाम रहे? बिल्कुल नाकाम है, ये सरकार काम ही नहीं कर रही है, पूरा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन चंद घंटे की बारिश में ही दिल्ली के डूब जाने की सीरियस वजह है, और वो वजह ये है कि दिल्ली अभी भी एक पुराने ड्रेनेज मास्टर प्लान का उपयोग करती है। ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में विकसित किया गया था। तब दिल्ली की आबादी करीब 60 लाख थी। इस वक्त दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी आधी सदी से ज्यादा वक्त बीतने के बाद दिल्ली अभी भी पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर ही चल रही है। तो फिर इसे बदलने की कोशिश क्यों नहीं हुई? साल 2018 में दिल्ली आईआईटी ने एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए कई सुझाव दिए गए थे। अगस्त 2021 में दिल्ली सरकार के तकनीकी पैनल ने रिपोर्ट को अव्यवहारिक मानते हुए खारिज कर दिया। तब से ड्रेनेज सिस्टम मास्टर प्लान का कहीं अता पता नहीं है। बारिश के दौरान दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बनने की एक और वजह अंधाधुंध और बेतरतीब फैलता शहर भी है। 50 साल पहले तक दिल्ली में जब बारिश होती थी तो उसका 50% पानी जमीन की मिट्टी सोख लिया करती थी। मौजूदा वक्त में बारिश का सिर्फ 5% पानी जमीन में समाता है, बाकी सड़कों को तालाब बनाता है, गलियों को समंदर और शहर में बर्बादी का मंजर दिखाता है। ये हर साल होता है और इस साल भी यही हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।